तो आप YouTube पे एक के बाद एक वीडियो को देखते हो ताकि आपको कोई सोल्यूशन मिल सके। तो अब के बाद आपको कोई भी वीडियो सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। देख सकते हो ये वाला प्लेट, जी हाँ ये वाला प्लेट, क्वालिटी देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। देख सकते हो यहाँ पर टोटल 46,000 का मॉडिफिकेशन ऑन NS 200, आप इजीली मंगवा सकते हो ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड। तो भाई लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नया वीडियो, नया व्लॉग पे। इस वीडियो पे आप देख सकते हो मैंने KTM Duke 250 की हैंडल बार को इंस्टॉल किया यहाँ पर, एंड उसको इंस्टॉल करने के बाद मज़ा ही आ चुका है गाइस। अपराइट होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है पहले से। ये वाला मॉडिफिकेशन मुझे बहुत ही पहले करवा देना चाहिए था, बट लगभग गाड़ी का एज 5 साल हो चुका है, उसके बाद जाके मैंने ये वाला हैंडल बार सेटअप को इंस्टॉल किया हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप लोग जो भी NS पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, मस्ट हैव मॉडिफिकेशन ये वाला है, ज़रूर ये वाला मॉडिफिकेशन सबसे पहले करवाइएगा ताकि आप फुल मज़ा ले पाए NS की। ये वाला मॉडिफिकेशन करवाने के लिए मैंने YouTube पे बहुत वीडियो देखा, बहुत सर्च किया कि कैसे क्या करवाया जा सकता है, कहाँ से मुझे पार्ट्स मिल सकता है, कैसे मैं फिटिंग करवाऊँगा, कहाँ पर मुझे हैंडल बार रॉड मिलेगा। तो बहुत बहुत मैंने वीडियो देखा YouTube पे। आप सभी को बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा ये वाला सेटअप इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ये वाला जो फुल सेटअप है मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी लोअर प्राइस पे इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। ये वाला हैंडल इंस्टॉल करने के बाद अभी गाड़ी मस्त हो चुका है, एंड चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फील लेके चला पा रहा हूँ गाड़ी को, एंड हाथ पे कोई भी पेन नहीं है, अभी एकदम आराम से चला सकता हूँ गाड़ी को। एंड मैं ये बता सकता हूँ आपको, ये वाला सेटअप अगर आप इंस्टॉल करते हो तो इजीली आप 800 से 900 किलोमीटर इजीली आप राइड कर सकते हो, कोई भी बैक पेन या कोई भी कुछ नहीं होगा। तो बस आपको चाहिए KTM Duke 250 की एक हैंडल बार रॉड, एंड जो ये ब्रैकेट है, ये माउंटिंग ब्रैकेट चाहिए KTM Duke 250 की। तो KTM Duke 250 200 एंड 390 ये ब्रैकेट सेम ही आता है, एंड हैंडल बार रॉड है KTM Duke 250 की, ठीक है। तो ये हैंडल रॉड एंड ये वाला माउंट क्लैंप आपको चाहिए, उसके बाद ये वाला सेटअप जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये प्लेट, उसके बाद बूस्ट एंड जो 4 बोल्ट है वो 4 बोल्ट ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। एंड आप भी आपका NS 200, NS 160, NS 125 जो भी बाइक हो आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हो ईजिली, ठीक है। ये वाला हैंडल सेटअप देख सकते हो, मज़ा ही आ चुका है। तो मैं आपको रुक के ये वाला प्लेट में आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड मैं यहाँ पर रुकता हूँ, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने, जैसे पहले आपको मैंने बताया, ये वाला हैंडल रॉड आपको चाहिए, ये KTM का माउंट आपको चाहिए जो आपको KTM शॉप से मिल जाएगा। जो मेन दिक्कत आता है वो आता है ये प्लेट के रिगार्डिंग, ठीक है। ये प्लेट एंड ये बुश देख सकते हो, ये बुश प्लेट एंड ये बोल्ट आपको चाहिए, ये 4 बोल्ट बुश एंड प्लेट आपको अगर मिल जाए तो आप ऐसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो NS 200, NS 160, NS 125 किसी भी बाइक हो, ये वाला सेटअप इंस्टॉल इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड। तो आप YouTube पे एक के बाद एक वीडियो को देखते हो ताकि आपको कोई सोल्यूशन मिल सके। तो अब के बाद आपको कोई भी वीडियो सर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। देख सकते हो ये वाला प्लेट, जी हाँ ये वाला प्लेट, क्वालिटी देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, देख सकते हो यहाँ पर ज़बरदस्त क्वालिटी का प्लेट है ये, ठीक है। ये देखो क्वालिटी एक नंबर है गाइस, एक नंबर क्वालिटी, ठीक है। ये वाला प्लेट को मैंने बनवाया हूँ, उसके बाद जाके ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैंने कलर नहीं किया है अभी, ये ब्लैक कलर में पेंट होगा, पेंट करने के बाद आपको डिलीवरी होगा। तो ये सैम्पल पीस है मेरे पास ताकि मैं और भी प्लेट बना सकूँ, एंड जो जिसको भी चाहिए उसको मैं प्रोवाइड कर पाऊँ लोअर प्राइस पे, ठीक है। यह प्लेट का जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो, एकदम मजबूत क्वालिटी का प्लेट है ये। तो आपको चाहिए ये वाला प्लेट, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको 4 बुश, वो भी बुश आपको मिल जाएगा, एंड 4 लंबा बोल्ट जो इजीली नहीं मिलता है, तो वो 4 आपको बोल्ट चाहिए, लगभग 80 mm लॉन्ग बोल्ट, ठीक है, 80 mm लॉन्ग बोल्ट चाहिए ताकि आप बुश एंड प्लेट एक साथ कनेक्ट कर पाओ एंड इस वाला सेटअप पे इंस्टॉल कर पाओ। ये जो 2 होल आपको दिख रहा है यहाँ पर, KTM Duke 200 या 250 की जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो ये वाला प्लेट आपको अगर चाहिए लोअर प्राइस पे, इसका क्वालिटी आप देख ही सकते हो, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ब्लैक कलर पे पेंट होके उसके बाद मिलेगा। क्वालिटी दिखाने के लिए मैंने ये वाला प्लेट आपके साथ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कलर होने के बाद ही जाके आपको ये मिलेगा। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ, जाके आप खुद का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड कैसे क्या पेमेंट करोगे, क्या प्राइस होगा, तो सब इंस्टा पे आपको बताया जाएगा, नो इशू, एंड प्राइस बहुत ही कम रहेगा। तो इसका जो प्राइस है मैं आपको बता ही देता हूँ इस वीडियो पे, इसका जो प्राइस है 295 इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस, ठीक है। तो इसका प्राइस बहुत ही कम है, देख सकते हो,
तो कलर होने के बाद जाके आपको ये मिल जाएगा। तो आज के बाद से आपको कोई वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे NS200 पे, NS160 पे या NS125 पे हैंडल बार को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आपको इसी वीडियो पे सोल्यूशन मिल चुका है एंड एकदम लोअर प्राइस पे। इसका प्राइस ओनली 295 इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है एंड ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही ब्रॉड हो चुका है अभी। तो अगर आपको ये ऑर्डर प्लेस करना है तो आप जाओ इंस्टा पे जाओ एंड वहाँ पर आपका फुल एड्रेस फ़ोन नंबर प्रोवाइड करो एंड वहाँ पर देखो इंस्टा पे हाईलाइट सेक्शन पे पेमेंट के लिए QR कोड दिया गया है, वहाँ पर आप पेमेंट करो एंड आप इजीली मंगवा सकते हो ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड। तो आप ये देख सकते हो NS200 पूरी तरीके से मॉडिफाइड हो चुका है अभी एंड ये जो मॉडिफिकेशन है टोटल मॉडिफिकेशन करने में मेरा खर्चा आया है 46,000 प्लस। ठीक है, 46,000 प्लस का मॉडिफिकेशन मैंने इन पे किया है। तो आप नेक्स्ट वीडियो पे देख सकते हो मैंने 46,000 का क्या क्या कुछ मॉडिफिकेशन किया है, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। टोटल 46,000 का मॉडिफिकेशन ऑन NS200। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा, तो स्टे ट्यून्ड।